हेलो एवरीवन, टुडे वी आर हियर टुडे वी आर हियर विद द न्यू टॉपिक ऑन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। बेसिकली द टॉपिक इज रिलेटेड टू एंजाइटी डिसऑर्डर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑन बिहाफ ऑफ टीम हैप्पीनेस नर्चर ह्यूमैनिटी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। और व्यूअर्स जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबका भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमें लाइव सुनने के लिए आए हुए हैं, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर टुडेज गेस्ट, मिस्टर राजेंद्र जोधपुरिया सर। सबसे पहले तो मैं सर के बारे में बताना चाहूंगी कि ही इज हैविंग मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी अलॉन्ग विथ डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एंड ही इज वेरी रेनाउंड हिप्नोथेरेपिस्ट, एंड ही इज अ वेरी फेमस यूट्यूबर। आप लोग इनके YouTube वीडियोस देख सकते हैं, 2000 से भी ज्यादा YouTube वीडियोस है सर के, वो भी OCD और डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स रिलेटेड। सर का अपना एक चैनल है जिस पर बहुत से लोग उन्हें फॉलो करते हैं, और सर ने अब तक 3000 से भी ज्यादा जो है वो केसेस को सॉल्व किया है, जो कि एंजाइटी एंड डिफरेंट टाइप के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। और डिप्रेशन पर सर की बहुत अच्छी कमांड है। OCD इनका वन ऑफ द फेवरेट डिसऑर्डर्स है जिस पर ये काम करते आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंडियन साइकोलॉजी को यूज करते हुए ये सब चीजें करते आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे सर से ये जानने की कि क्यों, जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में ये स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स कहता है कि इंडिया में हर 7 में से एक इंसान को जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। और ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो है वो देर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो उन डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। तो हम सर से जानेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो कैसे काम करते हैं, क्यों हम लोग जो है जो भी साइकोलॉजी के फील्ड में है वो लोग जब इस फील्ड में प्रैक्टिस करने के लिए उतरते हैं तो क्यों हम उतने ज्यादा जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। मे बी बिकॉज बहुत सारी थेरेपीज बाहर से है जो हमने एक्वायर करी है और उनको हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, कैसे है, बिकॉज सर ने 3000 से भी ज्यादा ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उन सारी चीजों को समझ पाए। तो सर, मैं आपका वेलकम करना चाहूंगी हैप्पीनेस नेचुरल ह्यूमैनिटी की तरफ से। धन्यवाद आप सभी का, सभी व्यूअर का। सर, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे जानना चाहूंगी एंजाइटी से रिलेटेड, और हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी हम लेंगे। उससे पहले मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, आप सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन टाइप बता दीजिए कि क्या एंजाइटी होती है, कैसे हम लोग जो है वो इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। उसके बाद मैं डेफिनेटली वन बाय वन आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगी और हमारे व्यूअर्स के भी क्वेश्चंस हम लेंगे। जी जी डॉक्टर हिनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आपका प्लेटफॉर्म है ह्यूमन नर्चरी, उसके व्यूवर के सामने रूबरू होने का मुझे मौका दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी टीम मेंबर्स का भी जिनका सपोर्ट आपके साथ है। तो जी सबसे बिल्कुल पहले सर, जी जी वही, बिना टीम के ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। एंड यस, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माय टीम मेंबर्स हियर आल्सो, डॉक्टर नेहा दास एंड डॉक्टर हेमलता जोशी, जिनके साथ मिलकर के हम लोग ये काम करते हैं। और सर, आपसे जुड़ना भी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें ये चांस मिला कि हम आपके साथ काम कर पा रहे हैं। जी सर, जी, तो सभी का धन्यवाद। तो पहला सवाल यही है कि एंजाइटी वास्तव में है क्या? देखिए कि एंजाइटी एक नेचुरल जो इमोशन है, हम खतरे के प्रति बाय डिफॉल्ट संवेदनशील होते ही होते हैं। हमारे सामने कोई खतरा आता है, कोई भी किसी प्रकार की सिचुएशन आती है, तो जो 5 सेंस से जो हमारी सिस्टम है उसके द्वारा सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है कि सामने कोई खतरा है। वो एक अलार्म है, वो एक सिग्नल है जो हमें अवेयर करता है। उसके ऊपर हम क्या एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर क्या एक्शन नहीं लेते, वो हमारा चुनाव होता है। तो कई बार क्या होता है कि सामने तो एक सिचुएशन ट्रिगर है, वो एक नॉर्मल है, और हमें सूचना तो उसके सेंसेस के माध्यम से मिल गई, उसके ऊपर हम ज्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा रिएक्ट कर देते हैं और एंजाइटी एक लेवल से ज्यादा हो जाती है। जैसे मेरे सामने, मैं अंधेरे में जा रहा हूं, मेरे सामने एक लगता है कि कोई काली सी चीज है, वो आगे पड़ी हुई है, तो मुझे लगेगा कि वो सांप है, तो मैं एकदम से एंजाइटी में आ जाऊंगा। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। और जैसे ऐसा हो जाता है कि वो सांप से रिलेटेड जो एंजाइटी हुई, वो कुछ
घंटों तक भी बनी रहे, कुछ दिनों तक भी बनी रहे, और महज उस सिचुएशन के बारे में सोचने मात्र से ये एंजाइटी हो जाए, तब वो नॉर्मल एंजाइटी नहीं है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। जी जी सर, तो बेसिकली आपका कहना है कि हम सब लोग एनजाइटी को लेके प्रॉन तो होते ही है, मतलब बेसिकली एनजाइटी के जो इश्यूज है, नॉर्मल एनजाइटी जिसे हम कहते हैं, वो हम सब में होता है, लेकिन जी हमारे इंटरनल इमोशंस, हमारा परसेप्शन, हमारा अनकॉन्शियस माइंड और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि हम उस एनजाइटी को किस लेवल तक हैंडल कर सकते हैं, या कब तक करेंगे, कब तक नहीं जी करेंगे, कैसे हमें उस पर रिस्पॉन्स करना है। ओके सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी एंजाइटी हम में से हर किसी को होती है, ये अलग बात है कि उसके पीछे के रीजन हर किसी का अलग अलग होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल सिनेरियो भी उसमें आ जाता है। जी अगर हम में से किसी को भी एंजाइटी हो रही है, या एंजाइटी डिसऑर्डर्स या इश्यूज हो रहे हैं, तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे खुद के लाइफ में जो हो रहा है उसको कि ये एंजाइटी का इशू है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि ये कोई प्रॉब्लम है, और इसी चक्कर में वो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है। सो कैसे जी आइडेंटिफाई किया जाए कि ये एंजाइटी इश्यूज हैं, और इसके कुछ इनिशियल, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम या कोई फिजिकल डिसऑर्डर अगर किसी को होने वाला है, कोई बीमारी किसी को होने वाली है, तो उससे पहले कुछ सिग्नल मिलते हैं। सो वैसे जी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के भी कुछ सिग्नल्स होते होंगे जो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो वो सिग्नल्स क्या होते हैं सर, ये बता दीजिए। जी आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा है कि हम कैसे ये अंतर कर पाए कि हमें जो एंजाइटी के जो सिम्टम आ रहे हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर के, और वो आगे जाकर के बीमारी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम या जो सिग्नल, वो यही है कि हमारा जो रूटीन लाइफ है वो गड़बड़ हो जाए। जैसे कि भी एंजाइटी मात्र कुछ सेकंड की या कुछ मिनटों की होती है, उससे हमारा रूटीन लाइफ गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन एंजाइटी की वजह से जो हमारा काम है, जो हमारा प्रोफेशन है, उसके ऊपर असर आने लग जाए, जो हमारे रिलेशन है उनमें असर आने लग जाए, तब वो पहला सिग्नल है। उसके बाद जो हमारा सोने का पैटर्न है वो गड़बड़ होने लग जाए कि हम सो ढंग से पा नहीं रहे हैं, हमें या तो नींद आती नहीं है या नींद के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती है, सपने बुरे आते हैं। तो ये भी एक सिग्नल है कि एंग्जाइटी के इश्यू हमारे लाइफ के अंदर आ चुके हैं, कोई ना कोई सिग्नल दाखिल हो चुका है। और इसके बाद अगला सिग्नल आता है वो कि हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं किसी भी काम पर, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारा माइंड है वो इतना विचलित रहता है कि किसी एक चीज के ऊपर वो एकाग्र हो ही नहीं पाता है। तो ये उसका एक अनदर सिग्नल रहता है। उसके बाद ये है कि हम वर्तमान में ना रह करके पास्ट या फ्यूचर में ही उलझने लग जाते हैं। हमारा मन है या तो पास्ट के प्रति इतना ज्यादा संवेदनशील हो जाता है कि वो पास्ट की घटनाओं को बार बार मन में रिमाइंड करता रहता है, और उससे हमें एंजाइटी या जो घबराहट है या जो फियर है वो बढ़ता रहता है। या फ्यूचर के प्रति हम किसी खतरे को अवॉइड करने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं या फ्यूचर में ही जीने लग जाते हैं। तो ये एक जो एंजाइटी से घिरा हुआ इंसान है उसका सिग्नल ये है कि वो प्रेजेंट में नहीं जीता है, वो पास्ट या फ्यूचर में ही जीने लग जाता है। इसके अलावा और जो सिग्नल हम देख ही सकते हैं कि जो हम दूसरों से मिलना जुलना है वो कम हो जाए, हम किसी भी जो समारोह है, चाहे शादी हो कहीं या कहीं बाहर जाना हो, हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं, हम अपने आप में ही उलझे रहते हैं, बस अपनी ही एक अलग सी दुनिया बना लेते हैं, उसी में खोने से लग जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एंग्जायटी डिसऑर्डर हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। जी ओके, सो बेसिकली सर मतलब अगर किसी का सोशल रिलेशन कम हो जाए, या फिर किसी की जो रूटीन की लाइफ होती है सुबह से लेके रात को सोने तक का जो आप सबका एक शेड्यूल होता है, अगर वो खराब हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी रात की नींद, जो कहते हैं ना चैन की नींद हम सोते हैं, अगर वो खराब हो जाए, अगर ये सारे इश्यूज आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक होते हैं, तो वो इनिशियल सिंबल्स होते हैं कि हाँ हो सकता है कि आप धीरे धीरे एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू जी सो मच सर, आपने इतना इजी वे में इसको एक्सप्लेन किया है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम जो है वो सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद मी। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये जानना चाहूंगी कि ये सब होता है, पर देयर आर सम जी कॉजेज, कुछ पर्टिकुलर कॉज है जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को लीड करते हैं, तो हम कैसे जी आइडेंटिफाई करें और कैसे हम उन कॉजेस को अगर कंट्रोल करें या उनको अपने
तक आने के टाइम पर जो है वो उनको हैंडल करना सीख जाए तो मे बी एंजाइटी इश्यूज नहीं होंगे। जी तो क्या क्या कॉजेज हैं अगर हमें वो समझ में आ जाए तो हम में से बहुत सारे लोग जो है वो इनिशियली या कब हमें हेल्प लेनी चाहिए वो भी हमें पता चल जाएगा। तो सर प्लीज जी एक्सप्लेन कर दीजिए कि कौन कौन से कॉजेज इसके पीछे होते हैं। जी तो कोजिज की आपने बात की, तो मैं कुछ ऐसे कोजिज आप सभी को बताना चाहूंगा जिन कोजिज का आमना सामना हर इंसान से होता ही होता है। और मैं देखो कि हम किताबों में या कई चीजों में हमें पढ़ने को मिला है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं, कुछ मेडिकल फैक्टर होते हैं। वो काजिज तो सभी जानते ही हैं कि इन्वायरमेंट हमारे आसपास कैसा है। वो सभी चीजें बाहर हैं, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली कुछ कोजिज ऐसे हैं जो हमसे रिलेटेड हैं, इंडिविजुअल इंसान से रिलेटेड हैं। अगर हम अपने से जोड़कर अगर बात करें तो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ भी आ जाएगी कि वास्तव में देखिए कि दो इंसानों की हम तुलना करें, एक दो चाहे भाई हो घर में या दो पारिवारिक मेंबर हो, एक उसी सिचुएशन में रहते हैं। एक भाई को तो एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको एंजाइटी डिसऑर्डर के आगे और भी सब प्रकार डेवलप हो जाते हैं। दूसरा भाई है, उसे कुछ नहीं होता, वो अपना मस्त लाइफ जीता है। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी तो एक सेकेंडरी रोल हो जाता है। हेरिडिटरी हम मानते हैं, तो हेरिडिटरी देखिए कि ये जो एंजाइटी है ये एक हैबिट है, ये लर्निंग व्यवहार है, हम सीख जाते हैं। चिंतित होना हम सीखते हैं, हमारा बाय डिफॉल्ट देखिए कि हमें बचपन से या विरासत में ये मिलती नहीं है चीजें। हम यहीं आसपास के वातावरण से या लोगों को देख देख करके चिंतित होना सीखते हैं। ऐसा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हम लर्न कर लेते हैं, आदतों के जरिए उसे सीख लेते हैं, और उसी के न्यूरल जो पाथवे है हमारे ब्रेन में डेवलप हो जाते हैं, उसी के द्वारा बार बार वही चीजें होने लग जाती है। तो ये ऐसा व्यवहारवादियों का मत है। उस देखिए कि अगर हमें कोई रोग होगा तो हेरिडिटरी है तो वो पहले ही हो सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट का उसमें तो रोल नहीं है, लेकिन हेरिडिटरी बहुत कम होता है, कोई रेयर केसेस में हो जाता है। बाकी हम घर में किसी पहले पारिवारिक मेंबर को है तो उसे देख देख करके सीख जाते हैं चिंतित रहना, उसी के इफेक्ट होते हैं। तो कुछ ऐसे कारण जो हमसे रिलेटेड हैं उसमें सबसे पहले आता है ओवर एस्टिमेट ऑफ थ्रेट। देखिए कि हर एक इंसान के जीवन में जो रिस्क होता है, खतरे हर एक जीवन के इंसान के सामने होते हैं। हम लाइफ जी रहे हैं तो उसमें कुछ रिस्क है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो उन खतरों को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, उनके प्रति हद से ज्यादा संवेदनशील होते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन मन में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हो करते हैं, तो उस वजह से वो एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप कर लेते हैं। उसके अलावा देखिए कि हमारी एक नेचुरल प्रक्रिया है थॉट प्रोसेस, हमारा सोचना एक प्रक्रिया है। अब अगर हम ओवर इंपोर्टेंस ऑफ थॉट, विचारों को अगर हद से ज्यादा महत्व देंगे तो भी हम एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे। अब देखिए दो घर में इंसान है, एक इंसान तो ऐसा है जिसको कुछ भी कह दो कि उसके विचार आएंगे, एक बार मन में आया कि बेइज्जती हो गई, ये हो गया, बुरा हो गया, वो कहेगा चल कोई बात नहीं छोड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा, उसने विचारों को महत्व नहीं दिया। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो विचारों को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, उनके ऊपर मनन करने लग जाते हैं, उन विचारों की एक श्रृंखला में ही उलझ जाते हैं। तो जो विचारों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, हद से ज्यादा उन्हें महत्व देते हैं, वो भी आगे जा करके एंग्जाइटी डिसऑर्डर के प्रोन बन जाते हैं, उनको एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना बाकी इंसानों के मुकाबले ज्यादा होती है। इसके अलावा है इनटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए कि जिंदगी में अनिश्चितताएं हैं, हर इंसान के जीवन में अनिश्चितताएं तो आती आती है, किसी का भी लाइफ ऐसा नहीं है कि उसमें निश्चितताएं हो, अनिश्चितता है। बिल्कुल, हमें एक एक लेवल साथ पे कोई भी जो है वो किसी की भी लाइफ नहीं चल सकती। जी, तो देखिए एक साल पहले हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि कोरोना जैसी महामारी भी आ जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था, सपने भी में भी नहीं सोचा था, कोई भविष्यवाणी भी कभी नहीं हुई थी। तो इस तरह की और बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं जिनका आमना सामना हम डेली करते हैं, पता नहीं कब कोई भूकंप आ जाए। लेकिन जो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो सहन नहीं कर पाते हैं अनसर्टेनिटी को, मेरे साथ कोई घटना हो जाती है, देखिए कि एंजाइटी डिसऑर्डर, हम किसी घटना के कारण उसके ऊपर जो घटना हो गई, मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी ने अब्यूज हो गया, या कोई पिटाई हो गई, या कोई भी घटना लाइफ में हो सकती है, तो उस घटना को सहन ना कर पाना,
उसके इफेक्ट को सहन न कर पाना भी एंजाइटी डिसऑर्डर का एक कारण बन जाता है कि हम घटनाओं को या उनकी जो घटनाओं का इम्पैक्ट है उसे सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो चिंतित रहते हैं, चाहे वो ओसीडी वाले हैं, फोबिया वाले हैं, वो जो अनिश्चितता है उसे सहन नहीं करना चाहते हैं, वो तो लाइफ को एक सिक्योर बनाना चाहते हैं कि जिंदगी बिल्कुल एकदम सिक्योर हो, जहां पर ना कोई खतरा हो, ना कोई डर हो, ना किसी तरह की कोई बाधा हो। तो जो अनिश्चितता को सहन नहीं कर पाते हैं वो भी एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा अगला जो इंडिविजुअल कारण आता है वो है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म का मतलब है कि कुछ इंसान बाय डिफॉल्ट ऐसा नेचर विकसित कर लेते हैं, क्योंकि हमारा परिवार जो जो इंडियन परिवार है वहां पर माँ बाप का रोल बहुत रहता है, हमारी परवरिश में, हमारे लालन पालन में। तो उसमें जो बुजुर्ग है, चाहे दादा दादी है, चाहे और कोई घर का सदस्य है, तो वो बच्चों को ट्रेंड करते हैं, उन बच्चों को गलती हो जाने पर बहुत सख्त शब्दों से उन्हें डांटते हैं या सजा भी मिलती है, या गलती के प्रति बहुत बेइज्जती की जाती है। तो बच्चे को गलती करने की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं जाती, बच्चे को गलती हो जाए तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्ट प्रकट करते हैं। अब बच्चे से कोई कांच का गिलास टूट जाए तो सारे परिवार के मेंबर डांटते हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा होता है तो उसके अंदर इतनी समझ नहीं होती है, वो उसे पर्सनली अटैक मान लेता है और उससे उसका एक व्यवहार डेवलप हो जाता है परफेक्शनिज्म का, कि सारी चीजें एक्यूरेट होनी चाहिए, जिंदगी में गलती तो होनी नहीं चाहिए। तो वो हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करता है। लिखाई करेंगे तो कॉपी के अंदर, स्कूल में भी हमें परफेक्शनिज्म बनने की सलाह दी जाती है। अब जिसकी लिखाई हो तो एकदम सुंदर सुंदर लिखाई हो, कपड़े हो तो एकदम टिप टॉप पहने हो, खेलों के अंदर हो तो कोई गलती ना हो, कहीं कोई गलती की या लाइन भी बनाए तो सीधी सीधी बनाए। तो इन सब कारणों के कारण एक परफेक्शनिज्म हमारा व्यवहार, परफेक्शनिज्म वाला व्यवहार डेवलप हो जाता है। तो ये कारण बनता है एंजाइटी डिसऑर्डर का कि उन्हें कोई चीज सहन या पसंद आती नहीं है, वो ना तो कोई बाहर की चीज को पसंद कर पाते हैं। जैसे देखिए कि रोड पर चलेंगे तो वो कहेंगे रोड तो खराब है, टूटी फूटी है, यहाँ पर ये नहीं है, वो नहीं है, शिकायती उनका रवैया विकसित हो जाता है कि उनके हिसाब से चीजें है नहीं। कोई ऑफिस में है तो उनको किसी का काम पसंद नहीं आएगा, घर में है अगर हस्बैंड है तो बीवी का या बच्चों का काम पसंद नहीं आएगा, कोई उनके टेबल को या कमरे को इधर उधर अव्यवस्थित कर दे तो उनके अंदर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी घबराहट हो जाती है। तो इस कारण से ये ऐसे लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर का पक्का शिकार हो जाते हैं जो परफेक्शनिज्म के आदि हैं, जिन्हें किसी का भी कार्य या खुद का भी कई बार कार्य पसंद नहीं आता है, तो समझ लीजिए कि आगे चल करके वो कभी ना कभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर डेवलप कर ही लेंगे। इसके अलावा भी कुछ कारण है, जैसे अक्यूट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर अति जिम्मेवारी की भावना होती है। देखिए कि जिम्मेवार बनना अच्छी बात है, हर इंसान अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जिम्मेवार होना ही चाहिए, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर अति ज्यादा जिम्मेवारी की भावना होती है। अब ऑफिस को ताला नहीं लगाया तो उनके मन में क्या आएगा, ताला अगर वो पहले तो इंश्योर करेंगे कि ताला लगा है या नहीं लगा, अब देख लिया कि ताला लगा है तो उसके बाद उनको लगेगा कि कहीं खुला रह गया तो कुछ अनहोनी घटना घट जाएगी और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी उनकी मानी जाएगी। तो वो हद से ज्यादा जिम्मेवारियों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। तो वो जो हद से ज्यादा खुद को जिम्मेवार मानते हैं हर घटना के लिए, हर कोई भी देश में घटना घट जाए, घर में घटना घट जाए, कहीं हमारे आसपास कोई घटना घट जाए, तो हम अगर खुद को जिम्मेवार मान रहे हैं, उस घटना के पीछे खुद को दोषी मानते हैं या कोई संभावित घटना के पीछे भी खुद को दोषी मानते हैं, तो आगे चल करके एंग्जाइटी डिसऑर्डर हमारे अंदर डेवलप हो जाएगा। जी ये कुछ बेसिक से कारण हैं जो हमारे खुद से संबंधित है। जी सर, मतलब बेसिकली जो है वो सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर हम कहें कि सिर्फ हमारी हेरिडिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एज ए इंडिविजुअल हमारी लर्निंग, हमारा खुद का जो बिहेवियर है वो भी बहुत ज्यादा जो है जी वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाता है कि कैसे हम जो है वो धीरे धीरे अपने आप को एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ लीड कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने इतना आसान शब्दों में इसे बयां किया है कि हम में से कई सारे लोग जो जानते समझते थे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते थे, तो अभी हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि क्या चीजें करनी चाहिए क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ओवर एस्टिमेशन और रीथिंकिंग या फिर एक्सट्रीम थिंकिंग की जो आपने बात कही है,
हर चीज को लेके बार बार सोचना, दूसरों के शब्दों से या फिर अपने इमोशंस को उनसे कनेक्ट करना, फिर उस पर रिएक्शंस, और वो जो एक मेंटल प्रोसेस, थॉट प्रोसेस चलता जाता है जहां पर आप एक पूरी सीरीज बना लेते हैं बहुत सारी बातों की। एंड रिलेटिवली हम जो दूसरों की जिंदगी से सुनते आए हैं, समझते आए हैं, उसे भी हम वहां कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेन का अपना एक प्रोसेस है। एंड जी एंड ऑफ द डे हम वो सारी नेगेटिव चीजें और वो सारी पॉजिटिव चीजें उनको किसी भी तरीके से एक ग्रुप में बना करके, ऑर्गेनाइज करके, फिर हमारे खुद के इमोशंस को उनसे जोड़ते हैं, और उन सबके साथ ही जो है वो हमारे लिए ये धीरे धीरे प्रॉब्लमेटिक बनता जाता है। जी वेरी वेल एक्सप्लेन सर। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जैसा आपने अभी बोला कि हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, इन सब का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारे डेवलपमेंट में, और वहां से हम जो सीखते हैं वो धीरे धीरे हमारी जिंदगी में आगे जा करके उसे जो है वो अलग अलग फॉर्म में हम जी प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो सर, पेरेंटिंग क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जो बच्चों में देखने को आता है, एंड दैट इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, जो जी इनिशियल एज में बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। पेरेंट्स को जी कैसे ये इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं हम लोग, कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करके, कि वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि उनके बच्चों में कहीं सेपरेशन एंजाइटी तो नहीं हो रही है। तो इसके जी बारे में आप बताइए। जी तो इस सवाल से पहले मैं एक चीज पिछले सवाल की रह गई थी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे बिल्कुल बताना बिल्कुल चाहूंगा। सर। तो वो एंग्जायटी डिसऑर्डर का सबसे मेन कारण है, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिस कारण का रहता है वो है सप्रेशन ऑफ डिजायर, इमोशन एंड थॉट्स। अगर हम सप्रेस करते हैं किसी भी चीज को तो वो चीज डिसऑर्डर का रूप लेती है। देखिए कि ये तो डिप्रेशन में भी हम जानते हैं कि सप्रेशन इज कोज ऑफ डिप्रेशन, तो बचपन से हम इस चीज को समझते हैं कि लड़कियों को जैसे चुप रहना सिखाया जाता है कि उनको इमोशन क्या है, उनकी डिजायर क्या है, कि उस बच्चे को क्या चाहिए, वो खुल के एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है, तो वो सप्रेस करना सीख जाता है। स्कूल में भी बहुत सारी चीजें हैं जो टीचर के डर के कारण हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे। तो जो जितना ज्यादा सप्रेस करेगा अचेतन मन में, उसमें थॉट्स हो सकते हैं कि ज्यादातर लोगों के सेक्सुअल या किसी भी प्रकार के थॉट्स हैं वो आ जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो गंदा है, पाप है, तो वो उसे अनकॉन्शियस माइंड में सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। किसी के प्रति कुछ भी विचार आ जाता है तो उन्हें लगता है कि ये विचार अच्छा नहीं है, क्योंकि समाज ने हमें ऐसा सिखाया है कि ये तो बहुत गलत बात है, तो उन विचारों को सप्रेस कर दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी इमोशन है, किसी के प्रति हम गुस्सा है तो गुस्सा हम ऐसे तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि हमें आगे ही नहीं देते हैं, सामने वाला है, तो गुस्से को हमने दबाना ही सीखा है, उसको एक्सप्रेस करना है या उसके राइट वे हमें पता ही नहीं होते बहुत ज्यादा लोगों को। तो जितना ज्यादा हमने गुस्से को दबा लिया, गुस्से के इमोशन को एक बार दबा लिया, वो कभी भी शांत रहेगा रहेगा ही नहीं अचेतन मन के अंदर, वो निकलेगा ही निकलेगा, किसी न किसी फॉर्म में निकलेगा ही, पक्का निकलेगा। जो गुस्सा है वो जितना ज्यादा हम दबाते जाएंगे वो एक दिन ब्लास्ट होगा, और वो ब्लास्ट किसी भी रोग के रूप में हो सकता है, किसी भी रोग के रूप में वो ब्लास्ट होगा ही होगा। तो इमोशन को दबाना भी एक कारण बनता है एंजाइटी डिसऑर्डर का। उसके अलावा है डिजायर्स, कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, कुछ इच्छाएं जो एकदम पूरी होने वाली होती है, जो जायज इच्छाएं हैं, कुछ होती है नाजायज इच्छाएं, लेकिन हम जायज इच्छाओं को भी दबाना सीख जाते हैं कि हम इच्छा प्रकट कर ही नहीं पाते हैं, कुछ समाज के नॉर्म हो गए, घर के कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, तो उनको भी अचेतन मन में दबा लेते हैं, उन इच्छाओं के कारण भी आगे जा करके एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। तो अब आपका सवाल है कि सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, तो ये खास करके बच्चों में ये देखा जाता है कि किसी भी चीज से अलग हो जाते हैं तो उनको एंजाइटी या चिंता होनी स्टार्ट हो जाती है। खास करके भारत एक ऐसा देश है जहां पर बच्चों के प्रति इतनी ज्यादा केयरिंग नेचर दिखाया जाता है माता पिता का, वो हद से ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को, तो बच्चों को एक ऐसा पिंजरा दे दिया जाता है कि उसमें वो सुरक्षित हैं, और जैसे ही घर के अंदर तो वो शेर होते हैं ऐसे बच्चे जो इसका सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, तो माँ बाप का या बाकी घर वालों का पूरा सपोर्ट, छत्र छाया उनके ऊपर बनी रहती है, लेकिन जैसे ही वो समाज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या कहीं अकेले जहां पर जाना पड़ जाए, तब वो एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि समाज में तो उनकी अपनी तो चलेगी नहीं, घर में तो वो शेर थे, राजा थे,
जैसा वो कहेंगे हुक्म देंगे तो घर वाले वैसा ही करते थे। समाज में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो समाज में उनको लगता है कि ठीक नहीं है, यहाँ पर लोग ठीक नहीं है, जगह ठीक नहीं है, तो वो दूसरी जगह पर जाते ही अपने घर की या अपनों की याद आने लग जाती है, या वो वहां पर जाकर के एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम सप्रेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, की किसी भी अलगाव वाली स्थिति में जाते ही चिंता का शिकार हो जाना। जी जी बिल्कुल सर। सर, जब हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक बहुत हम कह सकते हैं पॉपुलर टर्म है, लोगों को शायद उसका डिटेल मीनिंग पता है या नहीं पता। साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लोगों को तो बिल्कुल उसके बारे में बहुत कुछ पता होता है। दैट इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर ही है। जी तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इस पर हाईलाइट करें कि OCD क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसके जो है वो कॉजेज हो सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आप हमें बता पाए OCD के बारे में। जी तो ओसीडी एक बहुत कॉमन सा डिजीज है। देखिए कि ओसीडी ऐसा नहीं है कि जो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उनके अंदर होता है, इसके बहुत सारे प्रकार हैं जो बहुत सारे लोगों के अंदर पाए जाते हैं और कई बार लोग पहचान भी नहीं पाते हैं। तो ओसीडी, जैसे इंग्लिश का एक शब्द है, उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। ऑब्सेशन की कुछ ऑब्सेशन, कुछ ऑब्सेशन के रूप में कोई विचार हो सकता है, कोई थॉट्स हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई पर्टिकुलर चीज हो सकती है जिसके प्रति हमारे मन में कोई अर्ज हो सकती है, जो बार बार आती रहती है, वो स्टक करती है माइंड में, बार बार मन में वो हिट करती है, उसकी वजह से एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। जैसे एंग्जाइटी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उस एंजाइटी को रिलीज करने के लिए कुछ एक्टिविटी, कुछ एक्शन करना पड़ता है, जिसे कंपल्सन कहा जाता है, कुछ रिपीटेड बिहेवियर करना पड़ता है। उस रिपीटेड बिहेवियर के बाद रिलीफ मिलता है, उसके बाद एक राहत मिलती है, कुछ देर के लिए वो इंसान नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद फिर यही सर्कल चल पड़ता है। तो ये एक सर्कल होता है ओसीडी का, जिसमें सबसे पहले ऑब्सेशन, उसके बाद एंजाइटी का ग्राफ बढ़ेगा, और उसके बाद कोई एक्शन एक्टिविटी या कंपल्सिव बिहेवियर करना पड़ेगा उस एंजाइटी को कम करने के लिए, उसके बाद रिलीफ मिलेगा, उसके बाद फिर यही सर्कल होगा। जी सर, जब आपने ये बताया तो मैं एक्चुअली इसे रिलेट कर पा रही थी। मेरे ही एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जिनके जी अंदर ये बिहेवियर है कि मैंने उन्हें ऑब्जर्व किया है एंड मैंने उनसे उनसे कई बार इसके बारे में बात भी करी है कि देखिए, आपको बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन किसी न किसी हद तक ये OCD जैसा लगता है, क्योंकि उन्हें क्लीनिंग का बहुत शौक है। अगर कोई चीज आपने सही कर दी, सेटल कर दी है, तो उसके बाद जब तक वो अपने हाथों से उन चीजों को सही ना कर दे, उन्हें लगता है कि ये हुआ नहीं है। तो जी ये जो बिहेवियर, और ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है जो बहुत सारे लोगों में देखा जाता है, और कहीं ना कहीं जब जी हम लोग साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसा कोई बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें लगता है कि ये OCD है। और अगर आप उन्हें एक्सप्लेन करो कि ये OCD है तो वो आपसे कहेंगे कि ये तो बहुत नॉर्मल बिहेवियर है, आप लोगों में भी बहुत सारी चीजों को लेकर के ये होता होगा, हमारा सफाई से रिलेटेड है, हो सकता है कि आपका किसी और चीज से रिलेटेड हो। जैसे कईयों को अपनी बुक्स बहुत क्लीन करके एक सेटल जगह पे रखने की आदत होती है, कईयों को जी अपनी अलमीरा या कबर्ड जो है वो सेट करने का आदत होता है, और अगर वो जी हल्की सी भी उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है तो आपको हाथों हाथ उसी टाइम उसको फिर से अरेंज करना होता है। सो ये जो जी बिहेवियर है, क्या उसे हम OCD समझ सकते हैं? जी ये ओसीडी का ही एक फैमिली जो है ना, ओसीडी के अंदर कई आगे भी सब टाइप्स है, जिसमें एक बीडीडी है, उसी का ये एक फैमिली का रोग है ओसीपीडी जिसे बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसे इंसानों को परफेक्शनिज्म की आदत होती है, तो ये परफेक्शनिस्ट होते हैं। जी तो ऐसे बॉस हो सकते हैं, घर में कोई माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, तो जिनको दूसरों का काम पसंद आता ही नहीं है। और खास बात होती है ऐसे इंसानों के अंदर, इन लोगों को खुद के अंदर कोई कमी नजर नहीं आती है, इन्हें दूसरे बीमार लगते हैं, ये खुद बीमार मानते ही नहीं है, कितना भी कह दो ये कहेंगे कि जो कहेगा उसे ये बीमार ठहरा देंगे, और इनको लगता है कि मैं तो ठीक हूं, बाकी लोगों में गड़बड़ है, सब में गड़बड़ है। तो ऐसे लोग कभी भी इलाज के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि इनको दिक्कत तो बिल्कुल लगती नहीं है, उनको लगता है वो तो नॉर्मल है, बाकी लोग खराब हैं, जो साफ सफाई नहीं रखते हैं, वो गंदे लोग हैं, उनसे ये नफरत करते हैं, उनसे ये कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। अगर बॉस ऐसा है, कोई परफेक्शनिज्म या ओसीपीडी का शिकार है, तो उन कर्मचारियों की क्या हालत होती है, तो आप अंदाजा ही बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। अगर घर में कोई बिल्कुल मुखिया ऐसा हो जाए, तो उस परिवार को पूरे, जैसे ना एक हिटलर टाइप होता है ना, ऐसे इंसान होते हैं ये।
ये सर, अगर ऐसे में अगर कोई मेल घर में इस तरह के बिहेवियर के साथ हो तो उस घर में जितने भी फीमेल्स हैं उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी, क्योंकि आपको पूरे दिन यही सब करते रहना पड़ जाएगा। जी सर ठीक है, ये तो आम जिंदगी की बात हो गई, हम फिर से टॉपिक की तरफ आते हैं। आपने बहुत सिंपल शब्दों में हमें ओसीडी के बारे में बता दिया। सर ओसीडी तक तो ठीक है, मतलब बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स है और बहुत सारे ऐसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी है जो हम में से कई लोगों ने कई बार सुने भी नहीं होंगे। इसी जी तरीके का एक एंजाइटी डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं रिलीजियस एंजाइटी या फिर कल्चर एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, कल्चर ओसीडी या इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं बस ये हाँ हाँ समझने की कोशिश कर रही हूँ हमारा कल्चर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर्स की तरफ लीड करने में। देखिए कि कल्चर का बहुत मेन रोल है, क्योंकि जो हमारे बिलीव्स बनते हैं, जो हमारे पर्सनैलिटी का जो एक अहम हिस्सा है, वो कल्चर से ही आता है। कि बचपन में बिहेवियरवादी ये मानते हैं कि हम कोरी स्लेट होती हैं, कोरी स्लेट होते हैं बच्चे। तो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जे बी वाटसन, उन्होंने कहा जी था, अगर आप मुझे एक दर्जन स्वस्थ बच्चे दो तो कहोगे उसे मैं चोर बना दूंगा, कहोगे उसे पुलिस ऑफिसर बना दूंगा, कहोगे उसे मैं डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना दूंगा, बस मुझे स्वस्थ बच्चे दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते, संस्कृति को कंट्रोल करते, कल्चर को कंट्रोल करते, उसी के कारण होता। तो बाहर से जो चीजें आती है ना, उससे हमारा अंदर का बिलीफ सिस्टम है वो डेवलप होता है। तो अब देखिए कि ओसीडी की बात करें या बाकी किसी भी रोग की बात करें, कहीं ना कहीं से जो हमारे अंदर जो सूचनाएं पहुंचती है वो हमारे आसपास के परिवेश से पहुंचती है। तो रिलीजियस ओसीडी उन घरों में ज्यादा देखा गया है जो घर बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जिन घरों में धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आस्था रखी जाती है, भगवान को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, भगवान के खिलाफ कुछ सोचना पाप माना जाता है, भगवान के खिलाफ कुछ गलत विचार आ जाए तो पाप माना जाता है, उन घरों के बच्चों में या सदस्यों में रिलीजियस ओसीडी डेवलप होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो मैं एक संस्था का नाम तो नहीं ले सकता, उस संस्था के जो ऐसे नॉर्म्स हैं कि वो संस्था कहती है कि विचार ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। और उस संस्था में कहा जाता है कि ये सेक्सुअल रिलेशन बहुत गड़बड़ चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के मन में ऐसे विचार आते हैं तो वो पाप हो गया, वो दुष्कर्म हो गया, पति पत्नी का आपस का रिलेशन है वो भी ठीक नहीं है, तो इस चीज को गंदा माना जाता है। तो उन लोगों के अंदर ये रिलीजियस ओसीडी, सेक्सुअल ओसीडी बहुत ज्यादा मैंने डेवलप होते देखी है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे उस संस्था के मेंबरों का मैंने इलाज भी किया है। तो उसी प्रकार जो क्लीनिंग वाली ओसीडी है वो उन घरों में ज्यादा होती है जहां पर साफ सफाई को बहुत महत्व दिया जाता है, जहां पर शुद्ध अशुद्ध की बहुत ज्यादा चर्चा होती जी है, जहां पर भेद रखा जाता है, जाति में भी भेद रखा जाता है, उन घरों में ज्यादा हो जाती है। तो इसी प्रकार कल्चर जो हमारा है ना, सांस्कृतिक वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, वो जिम्मेवार है हमारी एंग्जाइटी का। तो इसमें चाहे बाकी ओसीडीज को हम देख लें कि जैसे एचआईवी से रिलेटेड ओसीडी बहुत सारे लोगों में डेवलप हो जाती है, उसके पीछे ये है कि हमारी संस्कृति में ये गंदी बात मानी जाती है कि किसी को एचआईवी हो नहीं गया, है हाँ इसके इसके तो बहुत ज्यादा गलत रिलेशन होंगे, उसको कोई नहीं सुनेगा उसकी बात को भी, किस कारण से हुआ तो उसे माना जाता है। तो उसके मन में एक बहुत ज्यादा फियर रहता है कि अगर मुझे एचआईवी हो गया तो इससे बेइज्जती हो जाएगी, परिवार में बहिष्कार हो जाएगा, तो इस कारण से वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है ओसीडी वायरस के प्रति। अगर किसी महिला को हो जाए तो उसे जैसे संस्कृति उसे स्वीकार नहीं करेगी, समाज उसे धुतकार देगा। तो अगर कोई महिला इस तरह के विचार आने लग जाते हैं बार बार, उन्हें और अधिक महत्व दिया तो वो भी डेवलप कर लेती है। तो कहीं ना कहीं ये संस्कृति की जो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो देखिए कि बहुत सारे जो पाप पुण्य वाले विचार हैं कि व्रत त्योहारों का देश है भारत, तो कि व्रत के समय किसी के मन में कुछ विचार आ जाए, बहुत सारी महिलाओं के ऐसे फोन भी आए, केस बिल्कुल भी चला कि व्रत के टाइम या माता की प्रार्थना करते वक्त या पूजा पाठ करते समय कुछ गलत विचार आ गए, तो ऐसा विचार आ गया तो ये पुण्य हो गया, पाप हो गया, इससे नरक मिल जाएगा, इसे भगवान सजा देंगे। तो उनके अंदर भी ये वेरियस टाइप की ओसीडी है वो डेवलप हो जाती है, उसमें कंटेमिनेशन भी है, उसमें रिलीजियस ओसीडी भी है, रूमिनेशन ओसीडी भी इसी का एक प्रकार है, चेकिंग वाली ओसीडी भी इसी में आ जाती है। तो ये ओसीडी या जो बाकी फोबियाज हैं, फोबिया डेवलप होता है, या बाकी जो एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप होती है, उसमें सबसे ज्यादा
अहम रोल रहता है हमारी संस्कृति का। जी इनाक्षी जी, बिल्कुल सर, इवन सिर्फ एंजाइटी डिसऑर्डर्स की ही बात नहीं करूंगी, जैसा कि अब तक हम लोग भी हमारे पेशेंट्स में या फिर हमारे अब तक के करियर में देखते आए हैं, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में ही कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है, और जी उसी कल्चर रिलीजन की वजह से हम ये भी सीखते आए कि कहाँ हमें चीजें खुद से एक्सेप्ट करनी है, कहाँ हमें हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल आउटर कर देना है, कि जो जी चीज जहाँ आपको लगा कि भाई ये चीज मुझसे नहीं हो पा रही है, तो कह दो ये भगवान के भरोसे, तो आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया और आपने अपने आप को उस पर्सनैलिटी का बना दिया जहाँ आप दूसरों पर सब कुछ डाल रहे हो। तो कहीं ना जी कहीं कल्चर जितना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में, आपके इंडिविजुअल डेवलपमेंट में रोल करता है, उतना ही वो जो है वो आपको जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स की तरफ लीड भी कर सकता है। जी अपार्ट फ्रॉम दिस सर, एज अ थेरेपिस्ट, क्योंकि आपने 3,000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल केसेस सॉल्व किए हैं ओसीडी और जी डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटीज डिसऑर्डर के, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि एज अ थेरेपिस्ट हम लोग किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारे क्लाइंट को, मतलब क्या प्रोसीजर रहता है या क्या चीजें हैं जो हम इनिशियल स्टेप्स लेकर के उनको हेल्प कर सकते हैं। जी तो इनिशियल स्टेप, और ये मैं कुछ आसान से टिप्स मैं बताना चाहूंगा कि सभी के लिए ये कारगर रहेंगे, चाहे हम एक नॉर्मल इंसान हैं, चाहे हम थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, किसी भी प्रोफेशन से संबंधित हैं, तो ये कुछ टिप्स हैं वो हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले जो कारण हमने जाने थे, जो इंडिविजुअल कारण हैं, उन उन्हीं कारणों को अगर हम हटा दें तो निवारण उन्हीं से हो जाता है। तो मैंने बिल्कुल पर्सनल लाइफ में भी यही महसूस किया है कि इसमें सबसे पहला था सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड इमोशन और बाकी जो अर्ज हैं। तो कभी भी इसका उल्टा क्या कर देना, एक्सप्रेशन, सप्रेशन की बजाय हमें एक्सप्रेशन में आ जाना है। तो किसी भी विचार को दबाना नहीं है, उसे एक्सप्रेस करना होगा। किसी भी इमोशन को दबाना नहीं है, उसे एक्सप्रेस करना होगा राइट वे में, राइट वे में करना है। सर, तो जो बिकॉज भी अर्ज है, अगर राइट वे में ना किया जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, हाँ वो प्रॉब्लमेटिक ऐसे हो, डिसअपॉइंटमेंट बन सकती है। हाँ, क्योंकि देखिए कि हमने जो एक्सप्रेस कर दिया, अब सामने वाले का भी तो रिएक्शन आएगा ना उसमें। अगर किसी के, इंसान के प्रति हमारे मन में इमोशन है, चाहे वो गुस्से वाले हो सकते हैं, किसी भी और प्रकार के इमोशन है, हमने एक्सप्रेस कर दिए, तो उसके बाद वो सामने वाला भी तो रिएक्ट करेगा, तो उसका भी तो अंजाम फिर हमें भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं, जो पर्सनली मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई की है और मुझे उसमें बहुत सफलता मिली है, और जो मेरे पास इलाज लेने के लिए आते हैं, मैं उन्हें करने के लिए कहता ही कहता हूँ और वो करते हैं, तो जिंदगी उनकी खुशनुमा हुई है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि कैथारसिस, कि हमने बचपन से जो कुछ चीजें दबा के रखी हैं अचेतन मन के अंदर, उसको बाहर निकालना होगा। उसके लिए जो बेस्ट टेक्निक है वो कैथारसिस है, कि हमें कैथारसिस तो करना होगा डेली बेसिस पे। जैसे हम शरीर की डेली सफाई करते हैं, बाल बनाते हैं, पाउडर सुर्खी भी लगाते हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, वो महिलाएं जितनी भी सुन रही है उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो अपने चेहरे का या अपने पूरे कपड़ों का कितना ख्याल रखते हैं। तो हम शरीर का इतना ख्याल रखते हैं, तो क्यों ना हम मन का भी उतना ही ख्याल रखें। मन को भी तो जरूरत है साफ सफाई की, उसकी डेली केयर करें। तो मन में कचरा डेली जाता है, तो एक तो जो कचरा जहां से आता है, जहां से रोंग इन्फॉर्मेशन आती है, वैसी इन्फॉर्मेशन आती है जो लगती तो सही है लेकिन होती गलत है, वो अगर हमारे अंदर आ जाए तो वो हमें डिस्टर्ब ही करेंगी। लगता है कि हम तो बड़े ज्ञानवान हो रहे हैं, हम तो बड़े जीके के मास्टर हो रहे हैं, वास्तव में हम बेवकूफ बन रहे हैं, हम रोगों के शिकार हो रहे हैं। तो एक तो उन कारणों को रोक दें, दूसरा जो पहले आ चुकी हैं उसके लिए हमें एक्सप्रेस करना होगा, उसके लिए कैथारसिस करना ही होगा। तो कैसे रोकना है, जहां से कचरा आता है, जो हमारे पास जो फाल्टी बिलीफ बनते हैं, जहां से हमें विचार मिलते हैं, वो है सबसे पहले टीवी। देखिए कि सोशल मीडिया, मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया का प्रयोग हमें सोच समझ कर करना होगा। ये एक दो धारी तलवार है जिसका प्रयोग हम अपने फायदे के लिए भी कर सकते हैं और अपनी बर्बादी के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो फिर ये हमें बर्बाद कर देगा। अगर हमारे पास बुद्धि है, समझ है, विवेक है, तो फिर हमें ये आबाद भी कर देगा, ब्रांड भी बना देगा। तो सोशल मीडिया में सबसे जो जरूरी है टीवी, कि टीवी के ऊपर हम देखते क्या है। अगर कोई महिला है वो सास बहू के सीरियल है या इस तरह के उल फजूल के सीरियल ही देख रही है, तो उससे इन्फॉर्मेशन जा रही है कि सास ऐसी होती है, वो ऐसी होती है, उससे उसका बिहेवियर है, वो कचरा ही मन में जा रहा है। तो
तो वो मन में जा करके वो रोग का कारण बन जाता है, ज्यादातर इसी तरह का होता है। तो वो कचरा नहीं लेना है, पहली बात तो ये। बिल्कुल सर, वो जैसे जो जो फर्स्ट फर्स्ट इम्प्रेशन हम बिना वो चीज देखे ही बना लेते हैं जस्ट बिकॉज कि हमने कहीं और से इन्फॉर्मेशन ले ली। जी, तो देखिए कि इस तरह के कुछ सीरियल आते हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल है, ये जो सीआईडी जैसे सीन्स हैं, तो ये हमें ना भ्रम भ्रम में डाल रहे होते हैं। तो समाज में यही शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। सर, आई गेस देयर इज सम इशू रिलेटेड टू नेटवर्क। लेट्स वेट फॉर रिकनेक्शन। लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनट्स मोर। देर इज सम नेटवर्क इशू फ्रॉम सर साइड। ओके, नाउ ही इज हियर, सो लेट्स रीकनेक्ट विद हिम। या सर, नाउ यू आर हियर। कुछ नेटवर्क इशू हो गया था शायद, बट जी ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी तो हमें, और जो मेल्स खास करके न्यूज देखते हैं, तो उससे भी हम, अरे मन में, अचेतन मन में बहुत ज्यादा कचरा भर रहा है। और बहुत ज्यादा टीवी से हमें अवॉइड करें, या उसके लिए जो लर्निंग से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है उनको देखें। दूसरा, सोशल मीडिया, यूट्यूब है, फेसबुक है, उनमें भी वही मूवीज या वीडियोज देखें जो हमारे प्रोफेशन के लिए लाभदायक है, हमें अच्छा सीखने के लिए या अच्छा लाइफ में ग्रो करने के लिए देते हैं। तो ये करना है, और उन दोस्तों से या उन लोगों से भी जो राबता है वो कायम नहीं करना है, उन लोगों से कोई लिंक नहीं रखना है जो नेगेटिव लोग होते हैं। क्योंकि जिस इंसान के साथ हम रहते हैं उसका, वो कहते हैं ना, एक देसी कहावत है कि जैसे इंसान के साथ रहते हैं उसका रंग तो हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन उसकी बुद्धि जरूर आ जाती है। तो जैसे इंसान के साथ रहेंगे उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमारे ग्रुप में चाहे लिमिटेड लोग हों, कम लोग हों, लेकिन अच्छे लोग हों, जो जिसमें जैसे गुरु टाइप का कोई हो, कोई बिजनेस प्रकार का हो, तो अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग टेस्ट वाले लोग हमारे ग्रुप के अंदर होने चाहिए। तो ये तो हो गया कि जहां से हम आगे के लिए ठीक रह सकते हैं, ये करना है हमें। और वो है जो जो पहले आ चुका है हमारे मन में, उसके लिए हमें कैथारसिस डेली बेस पे करना है। उसमें क्या है कि एक ऐसे इंसान के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि जिसने इंडियन साइकोलॉजी को समझा, फ्राइड के मनोविज्ञान को समझा, और एक ऐसी टेक्निक विकसित की जिसके माध्यम से हम कैथारसिस कर सकते हैं। तो वह है डायनामिक मेडिटेशन, जिसमें कुछ देर के लिए शोर मचाना होता है, जिसमें हु अल्लाह करना, या फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करना किसी के प्रति, जिसके प्रति भी हमें गुस्सा है या कोई भी मन में विचार है उसको जोर जोर से बोल के या चिल्ला के निकालना है। वो घर में नहीं करना, जैसे जा तो कहीं पर ऐसा स्थान बनाओ वहां पर, या घर में करना है तो कमरा बंद करके। तो वो कैथारसिस डेली जी, बेसिस पे कीजिए। तो पहले क्या था कि बेसिकली छत जी, पे तो जाकर पहले के या फिर अलोन जी स्पेस में कहीं पर भी ये कर सकते हैं, वरना घर जी वालों को लगेगा कुछ और हो रहा है। हाँ जी, तो पहले ना मैंने देखा है कि बहुएं थी ना, वो स्ट्रेस में इसलिए कम रहती थी कि सास के प्रति गुस्सा है तो वो कपड़े धोया करती थी सास के। तो जब सास का कपड़ा आ जाता तो थप्पी से जोर जोर से पीटती थी, वो कैथारसिस उनका हो जाता था। तो जैसे चाकी करना, इस तरह के कामों में उनकी एनर्जी रिलीज हो जाया करती थी। आजकल काम उतने नहीं रहे, तो हमें शारीरिक जो एनर्जी है ना वो अंदर ही दब जाती है, वो निकल नहीं पाती है। तो इस तरह से कैथारसिस करें, ये एक तो है कि हमें एक्सप्रेस करना है, जो इमोशन है वो हमें व्यक्त करने हैं। और इसी के साथ दूसरा जो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया वो है कि हमें वर्तमान में रहना है, कि पास्ट प्रेजेंट इज, हाँ, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज प्रेजेंट। जो भूतकाल है वो तो बीत चुका है, वो इतिहास बन चुका है, और जो भविष्य आएगा वो रहस्य है, उसका किसी को कोई पता नहीं है। और जो वर्तमान है वही तोहफा है। बस वर्तमान में जीने की आदत हमें डेवलप करनी है, मन से हमेशा वर्तमान में रहना है, प्रेजेंट के अंदर फोकस करना है हमें। तो ये अगर कोई सीख जाता है तो वो इन रोगों से दूर हो जाएगा।
और उसके बाद जो ओवर इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट्स है, तो थॉट्स को हमने इम्पोर्टेंस देनी नहीं है, थॉट्स को हमने लाइटली लेना है, उन्हीं थॉट्स को इम्पोर्टेंस देनी है जिन विचारों से हमें खुशी मिलती है। अब देखिए कि कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्मल थॉट्स कौन से हैं, जो हमारे अपने थॉट्स हैं, और जो ओसीडी वाले या एंग्जायटी वाले थॉट्स से कौन से हैं, तो उसमें भी अंतर हो जाएगा कि जिन थॉट्स के कारण हमारे मन में घबराहट आए, बेचैनी आए, हमें इरिटेशन फील हो, हमारा बीपी हाई हो जाए, या दिल की धड़कन बढ़ जाए, या हम इरिटेट हो जाएं, वो थॉट्स एंग्जायटी वाले हैं, उन थॉट्स को महत्व नहीं देना है। जिस थॉट्स को सोच करके हमें खुशी मिले, शांति मिले, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, हमारे अंदर एक ठहराव आए, उन थॉट्स को महत्व देना है। तो ये डेली बेसिस पे हमने करना है। हमें पता लग जाता है कि अवेयर रहना है, प्रेजेंट में जीने का मतलब है कि हर पल हमें अवेयर रहना है, हमें अवेयरनेस जागरूक रहना होगा कि अभी मेरे मन के अंदर चल क्या रहा है, वो हमें पता होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि विचारों में इतने खोए रहते हैं कि 1 घंटे बाद पता चलता है कि अच्छा, मैं ये कर रहा था, तो उसी वक्त हमें बेसिकली अवेयर हो जाना है, तो उससे वो थॉट्स को महत्व नहीं मिलेगा। उसके बाद जो ओवर एस्टिमेट हो, कॉन्शियस माइंड से अगर हम लोग जो है वो काम करें, और अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को अगर हम कंट्रोल करें तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि फिर पास्ट या फ्यूचर का हमें कोई डर नहीं रहेगा। और जिंदगी के जी अंदर वास्तव में डर नाम का है ना, वो सिर्फ एक शब्द ही है, बस वर्तमान है, इसके अलावा कुछ सच नहीं है। तो जिंदगी में जो आज है वही है, कल का कोई भरोसा नहीं। तो अपनी, मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा कीमती जो जेवरात हैं वो भी तिजोरियों में बंद रह जाते हैं, बहुत ज्यादा कीमती वस्त्र हैं वो भी अलमारियों में बंद रह जाते हैं, प्रयोग कर ही नहीं पाते हैं। आपने भी देखा हो, मैंने भी देखा है, अपने घर में मेरी माता जी है या श्रीमती जी है, और हैं वो संदूक में वो वस्त्र बंद करके रखते हैं, पहनते ही नहीं है, फिर जा तो वो पतले हो जाते हैं, जा मोटे हो जाते हैं, वस्त्र आते नहीं है, फिर वो टेलर के पास ले जाते रहते हैं, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, कुछ तो वो पहन ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो अच्छा पीना खाना वो आज ही करना है। मैं तो क्या करता हूँ कि कोई बढ़िया सा सूट या कुछ भी ले आता हूँ ना, पहले उसको फाड़ता हूँ, इसको अलमारी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हो सकता है कि कल को मेरा वेट बढ़ जाए, फिर कोई फायदा नहीं है, हो सकता है कि वेट घट जाए, फिर कोई फायदा नहीं है, हो सकता है कि कल को कुछ चोट लग जाए, कहीं और हो जाए, मैं कर ही ना पाऊं। तो इसलिए भी पहले तो जो अपने लिए चीज है वो अपन ही प्रयोग करेंगे, तो अपनी चीजों का इंजॉय हमें करना आना चाहिए, वरना लोगों के पास ना कमी रह जाती है कि वो सोचते रहते हैं कि इंजॉय करेंगे करेंगे, इंजॉय के चक्कर में जिंदगी बिता देते हैं, वो पोस्टपोन करते रहते हैं। कि मैंने भी सोचा था कि मैं 10th में पढ़ता था, तब सोचा कि जब मैं 10th पास हो जाऊंगा तब इंजॉय करूंगा, तो अब 10th पास होगी, फिर कहता है 12वीं करने के बाद इंजॉय करेंगे, फिर मस्त जीवन जिएंगे, 12वीं होगी तो फिर कहते बीए कर लेते हैं, फिर इंजॉय करेंगे। अब बीए के बाद सोचा कि एमए हो जाएगी, तब एमए के बाद सोचा नौकरी लग जाएगी, नौकरी के बाद तनख्वाह आ जाएगी, तनख्वाह के बाद शादी हो जाएगी, ये सोचा ये तो कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बिल्कुल कभी इंजॉय कर ही नहीं पाएंगे, तो कोई तो हमें करना होगा ना जहां पर कि हम इंजॉय करें। तो फिर कहते हैं जीवन चाहे कुछ भी हो, कुछ हो ना हो, बस इंजॉय के साथ जिएंगे। तो यही वर्तमान में जीना है, तो हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी है थॉट्स को, और ओवर एस्टिमेट नहीं करना है खतरों को। जिंदगी में खतरे आएंगे, पता नहीं कब क्या हो जाए, उसके लिए हमें तैयार रहना है, बस इंजॉय के साथ जीना है। जिंदगी में जो भी घटना घटती है उसे एज ए घटना मानना है, कि अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है, किसी और के साथ हो सकती है, तो वो एक घटना है, वो घट गई, बस अब आगे समय और बदलेगा, वो परिवर्तन के नियम में विश्वास रखना है। उसके बाद जो परफेक्शनिज्म की बात करते हैं, तो हमें परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, हमें देखिए कि कोई इंसान यहाँ परफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक शब्द ही परफेक्ट है, उसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, हर एक इंसान में अपनी क्षमताएं हैं, किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है हमें, कि हम ना तो दूसरों के जैसे बन सकते हैं, ना दूसरे हम जैसे बन सकते हैं, हम जो हैं वो हम ही हैं। तो हमें खुद को स्वीकार करना आना चाहिए, एक मंत्र याद रखना होता है एंग्जाइटी वालों को, एक्सेप्ट द थॉट, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज, जो है उसे वैसा ही स्वीकार करना है बिना किसी एडिट के, वरना हम चाहते हैं ना कि चीजें मेरे अनुसार होना चाहिए, तो इसके लिए हमें एक्सेप्टेंस अंदर से आए, शिकायती जब व्यवहार गिर जाएगा तो फिर एक्सेप्टेंस आ जाएगी नेचर के प्रति। तो ये उसके बाद ये माइंडफुलनेस की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसके द्वारा फायदा होता है। उसके बाद जो कुछ कारण और रह गए हैं, जैसे अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना है, तो जिंदगी में ये एक्सेप्टेंस से क्लियर हो जाएगा कि हमें जिंदगी में जो होगा उसे खुले दिल से स्वीकार करना है, चाहे
हमारे साथ कोई घटना घटती है या परिवार वालों के साथ कोई घटना घटती है, किसी के साथ कुछ भी होता है, तो हमें उसे अंदर से स्वीकार करना आना चाहिए। अगर स्वीकार नहीं किया तो वो मलाल रह जाता है, रिग्रेट रह जाता है। तो अगर हमारे अंदर रिग्रेट है, वही बीमारी का कारण बनेगा। तो आपने देखा होगा कि आप ही एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और बड़े अच्छे केसेस भी आपने सोल्व किए होंगे कि लोगों के अंदर मलाल रह जाते हैं, रिग्रेट रह जाते हैं। तो एक बुक मैं सभी व्यूअर को रिकमेंड करूंगा, Top 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, ब्रोनिवेयर की एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। वो एक नर्स थी, उन्होंने एक बुक लिखी थी Top 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। तो वो नर्स थी, तो वो जो मृत्यु शैया पर जो इंसान थे उनका वो इंटरव्यू लिया करती थी, पूछती थी भी क्या करना चाहते थे, क्या बाकी रह गया। तो 5 पैटर्न सामने आए, उसमें पहला था कि मैं वो काम नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। तो इंसान को वही काम करना चाहिए जिस काम में उसे आनंद आता है, एंजॉय होता है, पैसे चाहे कम कमा लें लेकिन काम मर्जी का करना है। ये मैंने खुद के लाइफ में किया, मैंने बहुत सारी जॉब्स की जो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, चाहे लाख करोड़ मिले, अगर मेरी पीस ऑफ माइंड उससे छिन रही है या मुझे खुशी नहीं दे रही है, तो मैंने पैसे का अचार थोड़ी ना डालना है, अपनी खुशी के लिए जीना है, तो उसे तुरंत छोड़ दिया। तो हो सकता है कि आपके लिए या और किसी व्यूअर के लिए एकदम से आसान ना हो, लेकिन काम वही करना है जिसमें हमें आनंद आ रहा हो। उसके बाद एक और उसने रिग्रेट देखा कि लोग कहते हैं कि हम इमोशन को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए, किसी के प्रति गुस्सा थे, किसी के प्रति प्यार था, किसी के प्रति कोई फीलिंग थी, उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, हम खुश ही नहीं रह पाए थे, कहते हम दुखी रहते थे पोस्टपोन के चक्कर में, हम दोस्तों के साथ समय नहीं बिता पाए। इस तरह के जो रिग्रेट रह जाते हैं, तो उन रिग्रेट को हमें जिंदगी से हटा देना होगा। जी, तो इस तरह के कुछ टिप्स हैं, उसके अलावा कुछ आपकी तरफ से? जी बिल्कुल सर, ये वो टिप्स है जो अगर हम हमारे रूटीन की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करें तो मुझे ऐसा लगता है कि एंजाइटी और एंजाइटी से रिलेटेड जितने भी तरह के डिसऑर्डर्स हैं वो जो है वो स्टेज तक जाएंगे ही नहीं। उन डिसऑर्डर्स को हम अगर इनिशियल लेवल पर ही इस तरह की चीजों को यूज करके रोक सकते हैं तो बिल्कुल सर। एक लास्ट चीज जो मैं जानना चाह रही थी वो ये है कि सब बातें, सब चीजें जो हम पढ़ते आए हैं, जो हम अप्लाई करते आए हैं या जो इस फील्ड में लोग करते हैं, लेकिन इंडिया में जब हम बात करते हैं, जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम कहना है कल्चर डिफरेंस आ जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो जो थेरेपीज आज तक हम लोग अप्लाई करते आए हैं, ज्यादातर थेरेपीज हम में से सबको पता है कि इंडियन थेरेपीज के नाम पर हमारे पास कुछ ही थेरेपीज है, बाकी जी सारी चीजें जो है वो हमने कहीं ना कहीं से एक्वायर करी है और फिर हम उन्हें, हम जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। जी तो ऐसे कौन कौन से इंडियन थेरेपीज या फिर इंडियन साइकोलॉजी के ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू आप किसी भी एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट को जो है वो ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं? जी तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारी जो फॉरेन की थेरेपीज हैं उन्हीं को हम एज इट इज इंडिया के अंदर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि जी मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर कल्चरल अलग है, यहाँ पर अलग है। क्योंकि एक बात से ही देख लें कि हमारे जो संस्कृति में या खास करके हिंदुइज्म में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उन्हें अच्छा नहीं माना जाता एक्स्ट्रा, तो बाकी जो फॉरेन है वहां पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, वहां पर बिल्कुल जो सर, अगर हम सप्रेशन है। जी बिल्कुल अगर हम फ्रायड की बात करें तो उनका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्सुअल एनर्जी और लिबिडो के आसपास जो है वो है, लेकिन इंडिया में उस थेरेपी को और उन कॉन्सेप्ट को कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। सो जी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है जब हम किसी ऐसी थेरेपी को इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जी जी बहुत बड़ी डिफरेंसेस आती है जब एज इट इज, तो उसे कुछ एडिट करके हम शामिल कर सकते हैं, तो उसके अच्छे अच्छे जो कॉन्टेंट है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उन्हें हम एडिट करके भारत के हिसाब से अप्लाई करें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने ऐसा किया था कि भागवत गीता एक थेरेपी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। भागवत गीता के बारे में सुना सबने है कि एक बुक है, ये वास्तव में एक धार्मिक बुक नहीं है, ये मानवता की बुक है, एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है कि अर्जुन का इलाज हुआ है लाइव एज रियल सिचुएशन के अंदर। तो भागवत गीता में अलग अलग योग बताए गए हैं कि सांख्य योग जो CBT है पूरा, कि हमें ज्ञान हो, कि ज्ञान योग के द्वारा हम चीजों को, जीवन में दो ही चीजें हैं, एक तो ध्यान और दूसरा ज्ञान। तो ध्यान में योग आ जाता है और ज्ञान के अंदर सांख्य योग आ जाता है। सांख्य योग कोग्निशन से, कोग्नेटिव जितनी भी थेरेपी है वो सांख्य योग से संबंधित है।
सांख्य योग में जो जय कृष्णामूर्ति हुए हैं और बहुत सारे संत जिन्होंने प्रवचन दिए हैं, वो जो ज्ञान है वो सांख्य योग है, वो हमारा कोग्निशन डेवलप करता है। तो हमें समझ भी होनी चाहिए और उसको अप्लाई करने के लिए जो तरीके हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जिसे हम कर्म योग कहते हैं, कर्म काम करके हम सीखते हैं, डूइंग के द्वारा जो हम सीखते हैं वो योग में आ जाता है। तो पतंजलि ने तो योग के बहुत सारे सूत्र भी दिए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम भारतीयों की हैं, खास करके उसमें योग आ जाता है, प्राणायाम या बाकी जो चीजें हैं उन्हें हम अप्लाई करें, उसके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट है। क्योंकि थॉट्स जो विचार हैं उसे रोकने के लिए मैंने देखा है कि जो अंतर कुंभक है, बाह्य कुंभक है, उसका प्रयोग करें तो जो थॉट्स की प्रक्रिया जो अनलिमिटेड चलती रहती है, रूमिनेशन ओसीडी है या डिप्रेशन में है, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डिप्रेशन के इलाज में योग का बहुत महत्व होता है, क्योंकि डिप्रेशन वाले कर्म त्यागी हो जाते हैं, वो कर्म तो करते ही नहीं है। ओसीडी वाले कर्म योगी बन जाते हैं, कि वो एंग्जायटी वाले तो कर्म ज्यादा करते हैं, वो तो बैठते ही नहीं है, एक्स्ट्रा ही कुछ कर्म करने लग जाते हैं। तो उनके लिए हो जाता है। हाँ जी, तो उनके लिए समर्पण है, समर्पण कि अपने आप को सौंप दे, चाहे प्रकृति को सौंप दे, अपने भगवान को सौंप दे। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर धर्म को या भगवान को बहुत महत्व दिया जाता है, गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है, गुरु के अंदर कोई कमी देखी नहीं जाती है। हमारे यहाँ पर जितने भी बाबे हैं उनका इतिहास हम जानते हैं, फिर भी उनके ऊपर अंधश्रद्धा बहुत सारे रखे हुए हैं। तो वो समर्पण के कारण वो ठीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं से या बाबों से लोग ठीक हो जाते हैं, उनके पीछे क्या है कि उनका समर्पण, वो दिल से समर्पण कर देते हैं। तो जिसने खुद को समर्पित कर दिया वो ठीक ही हो जाता है, कि उसमें कहते हैं ना, तेरा सब कुछ तेरा, बस मेरा कुछ नहीं, उन्होंने सौंप ही दिया। तो दिल से समर्पण की जो चीज है वो गीता में भी है, तो हम इस चीज का फायदा भारतीय जो कॉन्टेक्स्ट में है बहुत अच्छा लगाया जाता है। बाकी फॉरेन में है वो समर्पित नहीं होते किसी के प्रति, वो अपना लॉजिक लगाएंगे, उनका लॉजिकल माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, वो हर एक चीज में पॉइंट निकाल लेते हैं, तभी तो वहां पर सीबीटी ज्यादा काम करती है। सांख्य योग या जो ज्ञान है वो कॉग्निटिव ज्यादा काम करता है, भारत को ज्ञान भी कहीं उनसे ज्यादा मतलब। जी कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन वही है कि हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, जो लॉजिकल ब्रेन जी है हमारे यहाँ पर हम उसे यूज ही नहीं करते हैं उतना ज्यादा, क्योंकि हमारा इमोशनल ब्रेन ज्यादा काम करता है। आ तो जी कहीं जी ना जी जी कहीं जो है वो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, और अगर हम ये समझ जी लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। सर एक व्यूअर है हमारे वाणी शर्मा जी, जिन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि प्लीज आप एंगर मैनेजमेंट के बारे में बता दें। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सर ने ऑलरेडी कैथारसिस का जो प्रोसेस बताया है वो एंगर मैनेजमेंट का एक बेस्ट टेक्निक है। आप वो कैथारसिस का प्रोसेस अगर करते हैं तो आपका आधे से ज्यादा एंगर तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। एंड उसके अलावा सर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स है जो कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो हमें जो है वो बहुत सारे विशेष बता भेज रहे हैं। कविता जी है जो कह रही है वेरी वेल एक्सप्लेन, उनको ये सेशन बहुत पसंद आया है। प्रेजेंस में कैसे आपको रहना है इसके बारे में जो आपने एक्सप्लेन किया था, नेहा मैम को वो बहुत पसंद आया है। इसी तरीके से सर और भी वैसे जो ये सारी चीजें देख रहे हैं समझ रहे हैं, और मैं उन सबकी तरफ से और HNH की तरफ से सर आपका तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने आसान शब्दों में आपने हमें ये बता दिया कि कैसे हम एंजाइटी को जो है वो समझ सकते हैं इनिशियल लेवल पर, खुद से समझ के कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, और एज ए इंडिविजुअल मैं खुद उस चीज को लीड करने में कितना योगदान दे रही हूँ। अगर मुझे ये समझ आ गया है तो मैं उसे सॉल्व करके भी जो है वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेने से पहले ही अगर मैं उसे ठीक कर पाऊँ तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और सर वंस अगेन मैं आपको आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। HNH की पूरी टीम आपके आपको थैंक यू बोलना चाहेगी, क्योंकि आपने इतने सही तरीके से हमें इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दिया है। सो थैंक यू सो मच सर। और मैं इसी के साथ सर ये सेशन आज का क्लोज करना चाहूंगी। बट हाँ उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि सर ने जैसा कि अभी बताया कि भागवत गीता जो है उसे हम एज ए इंडियन थेरेपी यूज कर सकते हैं। तो जल्दी हम कोशिश करेंगे कि उस पर कोई एक सीरीज लेकर आप लोगों के सामने आए, और सर की सहमति होगी और हमारी टीम अगर मिलकर के ये काम करेगी तो डेफिनेटली हम लोगों को आपको जल्दी ही इसके बारे में डिटेल देंगे। और बाकी सारी चीजें जो है वो आप लोग HNH के पेज पर जो है वो हमसे जान सकते हैं, आप लोग हमें वहां पर जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद HMS की पूरी टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर का, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना लंबा सेशन बड़े ही धैर्य और तन्मयता से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर।